गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम एंड यू फुल्ली एंजॉय होली। माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय किला पाड़ी एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट एनवायरमेंट स्टडीज चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल। फ्रेंड्स, In this unit, we are discuss about a discrimination between girls and boys in our society. And this discrimination, which is why many places for girls do not allow to play or other activities. And we learn about Nagpada Basketball Association of Mumbai, and we learn about one interview with Nagpada basketball team. Okay, now today we are moved to the next topic. It is, we said the newspaper wrote about all of you. Now students, we'll read about you in this book. How do you feel? So friends, with NBA team, okay, Nagpada Basketball Association की जो football की team थी, basketball की team थी, उस team के साथ जो interview किया, तो उसमें उन्होंने पूछा कि ये जो newspaper है, उसमें NBA, Nagpada Basketball Association की जो team है, उसके बारे में लिखा जाएगा एंड ये बुक में भी दिया जाएगा, तो आप कैसा फील करोगे? सो आफरीन सेज, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन ओवर हैप्पीनेस। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक ओवर आइडिया एंड ओवर कंट्री फेमस। सो जैसे जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने उस टीम से पूछा कि न्यूज़पेपर में भी दिया जाएगा एंड बुक में भी दिया जाएगा, तो आप कैसा फील करोगे? तब आफरीन ने क्या कहा कि हम बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, इस हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं है। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक ओवर आइडिया एंड ओवर कंट्री फेमस। सो वो उससे भी ज्यादा अच्छा खेलेंगे, ओके, उनके आइडिया से खेलेंगे एंड कंट्री को फेमस करेंगे, हमारे देश को फेमस करेंगे। ऑल गर्ल्स सेज यस, दिस इज ओवर दिस टू। सभी गर्ल्स ने साथ में कहा कि हाँ, ये हमारी विश मींस इच्छा है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कोच सर। सो दिस इंटरव्यू with coach sir, the coach who made this team, Noor Khan, told us the park, this part of Mumbai is very crowded. This is the only playground in this area. This is our small Bachchu Khan playground. Okay, so coach sir Noor Khan, coach sir का नाम क्या था? Noor Khan। एंड उन्होंने क्या बताया कि ये जो एरिया है वो बहुत ही क्राउडेड एरिया है मुंबई का, एंड ये एक ही प्लेग्राउंड इस एरिया में है, एंड इस प्लेग्राउंड का नाम क्या है? बच्चू खान प्लेग्राउंड। अ पर्सन नेम मुस्तफा खान यूज टू लिव इन ओवर एरिया। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, बट चिल्ड्रन वेर वेरी फॉन्ड ऑफ him, so everyone started calling him Bachchu Khan. So Bachchu Khan जिनके नाम से ये playground बोला गया, तो उनका real name क्या था? मुस्तफा खान। Short question में पूछा जा सकता है, so please underline this. Okay, so मुस्तफा खान जो है वो उनके area में रहते थे and वो बच्चों के साथ बहुत ही attract थे, सभी के साथ बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट थे, अफ्रेड थे, बट वो चिल्ड्रन के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच थे, तो सब उनको क्या बुलाने लगे? बच्चू खान। ओके, देयर वाज नो ग्राउंड देन, इट वाज जस्ट मडी लैंड। बच्चू खान यूज्ड टू
train children to play. We were among those children. It is because of Bachu Khan's devotion and training that players from this area are able to compete with the teams of other countries. So, ये किसकी वजह से हुआ है? बच्चू खान की वजह से. Because ये जो एक ग्राउंड बनाया है वो बहुत ही मडी लैंड है. ओके, एंड उस लैंड में बच्चू खान जो है उन्होंने चिल्ड्रन को ट्रेन किया खेलने के लिए एंड उनको उनकी एक टीम बना दी. ओके, तो ये टीम जो है वो कंट्रीज के लिए खेलने के लिए रेडी थी. लाइक बच्चू खान, आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया. ओके, बच्चू खान की तरह ये नूर खान जो थे वो भी उनको ट्रेन कर रहे थे. टुडे आवर टीम हैज सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल. सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड. सो नूर खान, बच्चू खान के साथ नूर खान भी इस टीम को लीड कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे एंड उन्होंने इतनी अच्छी तरह से वो इनको ट्रेन किया कि आज उस टीम में से इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग खेलने के लिए प्लेयर्स जाते हैं. एंड इसमें से उसी टीम में से किसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है. ओके, नूर खान कंटिन्यूड इन द लास्ट फ्यू डेज. इन द लास्ट फ्यू डेज या इयर्स we have also prepared a girls team here. Our girls play for the Maharashtra state team. They practice well with good discipline. So, कुछ सालों से उन्होंने girls team भी बनाना start कर दिया and Maharashtra state के लिए वो team खेलने जाती थी. They practice well with good discipline. What अच्छी तरह से डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करती थी. वो गर्ल्स एंड बॉयज कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम फ्रॉम रिचर, सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश. बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम. सो ये एक यूनिटी, किस तरह से एक यूनिटी होनी चाहिए उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो टीम में बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से है. कुछ बहुत ही पुअर होम से है, मीन्स वो उनकी जो वो कैसे है, पुअर है, गरीब है. कुछ बहुत ही रिच है, पैसे वाले है. कुछ उर्दू मीडियम में स्टडी करते हैं, सम इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं. बट वो जहाँ इस ग्राउंड में जब आते हैं तब वो एक टीम बन जाते हैं. ओके, वो कौन पुअर है, कौन रिचर है, कौन किस मीडियम में स्टडी करता है, वो सब भूलकर वो एक टीम बन जाते हैं. मीन्स ये क्या है, यूनिटी का एग्जांपल है. सो फ्रेंड्स, हमें भी पुअर या रिचर, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी कास्ट को ना देखकर एक यूनिटी में, एक टीम में रहना चाहिए. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. थिंक एंड राइट. द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज अफसाना हैज जंप्ड ओवर द वॉल. द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट वाज द दिस वॉल. What do you understand by gender bias? So friends, Afsana has jumped over the wall. Okay, Afsana ने ये दीवार को jump कर दिया, cross कर दिया. वो ऐसा किसने कहा? newspaper reporter ने. Okay, and the gender wall that her mother had put up for her. So gender की जो ये wall है, मीन्स गर्ल्स एंड बॉय के बीच की जो वॉल है, उस वॉल को अफसाना ने क्रॉस कर दिया. ओके, इस यूनिट का टाइटल क्या है? अक्रॉस द वॉल. मीन्स ये जो जेंडर की वॉल है, एक डिस्क्लेम की वॉल है,
तो ये बॉल को किसने जंप कर दिया? अफसाना ने। किसकी वजह से? उसकी मदर की वजह से। उसकी मदर ने उसको ऑलवेज सपोर्ट किया। तो आपको क्या समझ में आया वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, सो गेम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बी डिफरेंट, थिंक एंड राइट व्हाट यू फील। सो गर्ल्स एंड बॉयज की जो गेम्स होती है, क्या वो डिफरेंट होती है या सेम होती है? यस, सेम होती है, बट ओवर सोसाइटी, इन ओवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में जो डिफरेंट रखा जाता है वो डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, बिकॉज द गेम्स आर सेम। ओके, सभी के लिए गेम्स कैसी है? सेम है। तो हमें जेंडर की जो ये वॉल है वो वॉल नहीं रखनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे फील्ड में लाइक स्पेस शटल, साइंटिस्ट, देन सम अदर, ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज में, बहुत सारे प्लेस में, बहुत सारी गेम्स में, बहुत सारे फील्ड में लेडीज या गर्ल्स जो होती है वो आगे जा रही है। ओके, तो गर्ल्स एंड बॉयज, ये जो जेंडर की वॉल है वो अलग नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ इफ यू आर मेड द लीडर ऑफ अ टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम? अगर आपको एक टीम का लीडर बनाया जाए तो आप उस टीम को कैसे प्रिपेयर करोगे? लाइक आप जेंडर नहीं देखोगे, आप पुअर या रिचर, उसका लेवल क्या है वो नहीं देखोगे, देन उसका स्टडी लेवल क्या है वो नहीं देखोगे, आप क्या देखोगे? उस गर्ल या बॉय का टैलेंट कितना है, वो उस गेम को कैसे खेलता है, उस गेम के लिए वो कैसा फील करता है। ओके, तो ये एक लीडर को देखना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, विद दिस टॉपिक और यूनिट नंबर 17 अक्रॉस द वॉल इज कंप्लीट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर लर्न अबाउट द नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू, स्टे होम, स्टे